बात अब युवा नेता नवेद अयाज की, जिन्होंने बसपा छोड़ चंद्रशेखर आजाद की नई पार्टी आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। उनका कहना था कि बसपा अपने मिशन से भटक गई है और बसपा में सिर्फ धन बल का बोलबाला है। बसपा में अब किसी भी तरह के कोई मानक नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी हिंदुस्तान के 600 जिलों में अपना संगठन रखती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम आजाद समाज पार्टी कर रही है। इस मौके पर नवेद अयाज का पार्टी में शामिल होने पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कोश की रिपोर्ट। जी नवेद अयाज साहब, बताएं कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य रहा आपका, क्या क्यों आपने पार्टी छोड़ी? देखिए, पार्टी से मैं पार्टी की कार्यशैली जो थी वो सिर्फ आर्थिक रह गई है। पार्टी में कोई भी मानक नहीं है, कोई भी मिशन मूवमेंट के लिए काम नहीं है। साहब काशीराम साहब के सपनों के लिए, बाबा साहब के सपनों के जैसी कोई कार्यशैली बहुजन समाज पार्टी में नहीं दिखाई देती और युवा नेतृत्व को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। और जब कभी भी चुनाव का समय आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक मापदंड रह जाता है किसी को भी चुनाव में लाने का। सत्ता शासन बनाने के प्रति पार्टी को सीरियस नहीं दिखाई देती, ना ही दोनों ही समाजों में, हमारे दलित समाज में या मुस्लिम समाज में पार्टी की विश्वसनीयता जो है वो लगातार घटी है, वोट परसेंटेज लगातार घटा है। और भीम आर्मी ने लोगों को सुख दुख में शामिल होकर साहब काशीराम जी के मूवमेंट को जिंदा किया, उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ती गई और लोगों की मांग थी कि भीम आर्मी एक राजनीतिक दल बनाए। मैंने समाज की आवाज़ को समझा और उस आवाज़ को समझते हुए मैंने सोचा कि जो मूवमेंट और मिशन के लिए काम करेंगे, साहब काशीराम के, बाबा साहब के सपनों के लिए काम करेंगे, मुझे अगर काम करना है तो फिर उसी पार्टी में काम करना है। यही सोच के मैं BSP में आया था, यही सोच के मैं अब भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ा हूँ। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अनेकों राजनीतिक दल हैं, आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना आपने? इसलिए चुना कि आज़ाद समाज पार्टी हिंदुस्तान के 600 जिलों में अपना संगठन रखती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बड़े बड़े आंदोलन करके खुद को साबित किया है। उनके जीवन के 18 महीने जेल में गए हैं। जब दलित समाज के ऊपर कोई अत्याचार या मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई जुल्म, NRC और CA जैसी बातें आती हैं तो उस आंदोलन में जामा मस्जिद जाके खड़ा होना हो या जामिया पर हमला हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े होते हैं, देश के और नेता बैठकर देखते रहते हैं। तो मैं उनसे प्रभावित था कि वो सभी समाजों के लिए काम करना चाहते हैं और सभी समाजों के सुख दर्द में घर से निकलते हैं। यही वो कार्यशैली है जो उनके अंदर आने वाले युवाओं को काशीराम साहब के मूवमेंट के लिए ज़रूरी समझती है, बाबा साहब के सपनों के लिए उनको ज़रूरी समझती है। यही कार्यशैली थी, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा। और मैं लोगों से कहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और जो लोग अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में रहे और वो इतने बुरे वक्त में, खास करके मुस्लिम समाज के एक बुरे वक्त में जब बड़े बड़े आंदोलन और काले कानून थोपे जा रहे थे वो घरों में बैठे थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उनके लिए जेल गए। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि समय परिवर्तन का है और परिवर्तन में जो युवा नेतृत्व होती है, नई आवाज़ें होती हैं, समाज उनके पीछे चलता है। आप इस आवाज़ को समझिए, जैसे कि आप अपने अपने मोबाइलों के माध्यम से देख रहे होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुत बड़े संघर्ष का नाम है, एक बहुत बड़े आंदोलन जो भीम आर्मी के रूप में चल रहा है, आज उन्होंने एक राजनीतिक संगठन बनाया है, इसमें आपका भविष्य है, आपके लिए स्थान है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यापारियों ने इस पार्टी को घेर लिया है, सिर्फ और सिर्फ मिशनरी लोग इसके अंदर आए हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन लोगों को आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहिए, भीम आर्मी के साथ जुड़ना चाहिए, इसी में देश का भविष्य है, इसमें ही दबे कुचले पिछड़ों और कमजोरों का भविष्य है। चंद्रशेखर जय आज़ाद ने मतलब आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया है, इसमें हम शामिल हुए हैं BSP को छोड़ कर। BSP के मतलब कार्यकलापों से हम खिलाफ थे, हमें समझ में नहीं आया, और ये जो है ईमानदारी से काम करने वाले हैं, इसलिए हम इनके साथ जुड़े हैं और इसी पार्टी में हम काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई चंद्रशेखर आजाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद जिंदाबाद नवेद अयाज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्तेमाल दिल में ये गम से रोशन।
सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते, यकीनन सी बात है माशी एतबार से आर्थिक रूप से हम लोग इकोनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में भी शुरू हुई है, और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है, BA में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं, BEd मौजूद है, BEd इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है, और BCom भी है, और MA भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं, और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं, तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फख्र की बात है।